बिजनौर से एक दंपत्ति की हत्या करके पति पत्नी के शव को घर के घेर में मिट्टी खोद कर आरोपी द्वारा दबा दिया गया था। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए पति पत्नी के शव को मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। इस घटना में पुलिस ने एक महिला सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि प्रेम प्रसंग में फंसाकर प्रॉपर्टी के मामले में पति और पत्नी की गला घोटकर हत्या करके उसके शव को मिट्टी में दबाया गया था। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के नजीबाबाद रोड पर शिवलोक कॉलोनी के रहने वाले राजेश अग्रवाल और उसकी पत्नी बबली उर्फ बबीता की लाश आज बिजनौर के हमीदपुर के गाँव में रहने वाली रोमा के घर घेर के पीछे मिट्टी में दबी हुई दंपत्ति की लाश मिली है। लाश मिलने के बाद पुलिस ने इस घटना में महिला रोमा और उसके बेटे तुषार सहित मुकेश और मोंटी को हिरासत में ले लिया है। इस घटना को लेकर SP डॉक्टर धमवीर सिंह ने बताया कि राजेश अग्रवाल का रोमा के साथ प्रेम प्रसंग था, साथ ही रोमा के घर में मुकेश और मोंटी का भी आना जाना था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि प्रॉपर्टी के लालच को लेकर रोमा ने अपने बेटे तुषार और मुकेश और मोंटी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इन लोगों ने पहले दंपत्ति की गला घोटकर हत्या की, बाद में रोमा के घर के पीछे बने घेर में लाश को मिट्टी में आरोपियों द्वारा दबा दिया गया। ये भी पता चला है कि मृतक मूलतः अलीगढ़ के रहने वाले थे, जबकि उनकी पत्नी उत्तराखंड की रहने वाली थी। मृतिका बबीता के भाई मनोज कुमार राणा, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने 28 फरवरी को अपनी बहन और जीजा की गुमशुदगी की बिजनौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दंपत्ति हत्या के मामले में रोमा सहित मुकेश और मोंटी और तुषार को गिरफ्तार कर लिया है और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया है। कोतवाली बिजनौर में राजेश अग्रवाल और बबली उर्वरता की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। ये दोनों 28 फरवरी से गायब थे। बबली उर्वरता के भाई द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गहन छानबीन जांच पड़ताल किया तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों जो 55 वर्ष और 44 वर्ष के हैं, इनके कोई संतान नहीं है, दुकान का काम करते हैं। राजेश अग्रवाल मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाला है और बबीता जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इनकी दोस्ती रोमा से थी। रोमा और राजेश अग्रवाल में गहन अंतरंगता थी, घर में आना जाना था। और मुकेश और मोंटी का रोमा के घर में आना जाना था। यह भी बताया गया कि मुकेश और रोमा की गहन अंतरंगता दोस्ती थी। चूँकि गुमशुदा व्यक्ति राजेश और बबली को कोई संतान नहीं थी, इन लोगों में प्रॉपर्टी का लोभ आया तो रोमा और उसका बेटा तुषार जो 20 वर्ष का है, मुकेश और मोंटी जो सगे भाई हैं, उन्होंने साजिश करके दोनों को मार करके रोमा के घर में हमीदपुर गांव में घर और घेर में जमीन में गाड़ करके छिपा दिया। इसका और विवरण यह है कि राजेश अग्रवाल ने बैंक से लोन लिया था, उसमें गारंटर के रूप में मुकेश और मोंटी थे। इनको ये भी आया कि हम इसके प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे। रोमा के बारे में डाउट इसलिए भी हुआ कि जो राजेश अग्रवाल का दुकान था, जिसमें बबली ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, उसके दुकान में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने सफलतापूर्वक बॉडी को बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। हत्या में क्या क्या प्रयुक्त हुआ था, हिरासत में लेकर के पुलिस उसकी बरामदगी के प्रयास कर रही है। खबर भारत वर्ष के लिए बिजनौर उत्तर प्रदेश से उस्मान मंसूरी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।